The President of India quoted that the National Education Policy spells a long-term vision with far-reaching impact. It will strengthen the culture of inclusion, innovation, and institution in the sphere of education. Mr. Azim Premji said that NEP 2020 will be truly a transformative for Indian education. And since education is one of the most important processes in the development of individuals and society, it will be a transformational for India. And Sadhguruji said that it's time to liberate our children from the tyrannical system of education that we inherited. The education should be about blossoming a child's potential to its fullest expression. Hello viewers, I welcome you all to yet another episode of Talk Scoop, and it is about the new education policy 2020. हाल ही में हमारे देश में नई शिक्षा नीति का गठन हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि नई शिक्षा नीति इस देश के उज्जवल भविष्य की एक मजबूत और एक शक्तिशाली नींव होगी। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी वो शायद इस तेज बढ़ती दुनिया की गति से मेल नहीं खा पा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि श्री कस्तूरी रंगन जी द्वारा गठित 5+3+3+4 नई शिक्षा नीति इस तेज बदलते समय और जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करी गई है। दो अहम सवाल जो शायद पुरानी शिक्षा नीति में इनके जवाब नहीं थे, वो दो सवाल क्या थे? क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या करंट एजुकेशन सिस्टम बच्चों को आजादी देती है क्रिएटिविटी के लिए, क्यूरियस करती है उनको अपने सवालों के लिए या आजकल जितना भी ज्ञान है दुनिया में, और कमिटेड बनाती है अपने काम के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी एंड कमिटमेंट। और दूसरा सवाल ये कि क्या जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे यूथ को एम्पावर कर रहा है या कहीं ना कहीं वीक बना रहा है। इन्हीं दो सवालों के जवाब देने के लिए नई शिक्षा नीति से उम्मीद की जा रही है कि वो इन दो अहम सवालों का जवाब जरूर देगी। और इसके साथ साथ एक फेज जो कहा जा रहा है कि कल्चरली रूटेड Yet globally suited. तो इस नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है मिस प्रीतु आर्या मैम, who is an educationist, जो पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। स्वागत है आपका प्रीतु मैम टॉक्सकूप की आज इस अहम चर्चा में। मैं बताना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कि मिस प्रीतु मैम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है और आपने यहाँ के स्कूल्स में बेहतर वातावरण बनाया है ताकि बच्चों पर ज्यादा बर्डन ना रहे और उनका बचपना खोए ना। तो स्वागत है आपका प्रीतु मैम टॉक्सकूप की इस चर्चा में। भूले तो बस अपने एक्स को भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलना हो अगर हमसे बार बार तो इस चैनल की घंटी बजा दो बस एक बार, शुक्रिया। कैसे है आप? मैं ठीक हूँ इशिता, एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो अप्रिशिएटिंग मी, एंड रियली आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड आई कन्वे माय ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, थैंक्स अ लॉट। तो प्रीतु मैम, अगर हम शुरू से जानना शुरू करें इस पॉलिसी के बारे में कि ये पॉलिसी क्या है, क्या करती है, तो अगर एक ओवरव्यू हम देखें कि क्या की टेक अवेज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, हम आपसे यही से जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द की टेक अवेज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके ओके इशिता, सो बिफोर आई लेट यू सेल थ्रू दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड मेंशन यू व्हाट आर द मेजर you know focused areas which have been covered under this policy, I would like to mention that first policy of our country came into effect in 1968, and that was introduced through Kothari Commission. After that we got our second education policy in 1986, and with certain modifications it was revised, and the program of action, plan of action was executed in 1992. And after a big gap of 34 years, we are having this NEP 2020. So it is a great pleasure. It is a great, great opportunity for all the educationists also to lead this country towards a new transforming phase.
So if I talk about the vision of this policy, because before elaborating upon it, it is very much essential that I tell you all what is the vision of this policy. So this policy envisions equitable quality education for all and lifelong learning for all. And the structure of the education should be such that it should be culturally rooted. It should be rooted in the Indian ethos. And it should be, based on the traditions of our country from the ancient times. So this is the vision of this policy, and this is the main objective around which various parameters of this policy have been designed. So अगर मैं यहाँ पर important aspects की बात करूँ, so there are five major important aspects or importances of this policy. One is it is focusing upon the quality education. Next, it is focusing upon equity in education. It is then talking about affordability, accountability, and in simple words, if I say this policy, it is so robust, and it is trying to cover each and every person of this country. It is trying to reach out to the most deprived person of this nation. So it intends to provide equal opportunities to everyone, equitable opportunities to everyone through this, and it certainly intends to lead this country towards a major transformation. If I say it will not be an exaggeration if I say there will be a total paradigm shift through this policy. So now if I tell you about what are the three major areas on which it is focusing. So first is the primary education. By primary education, I mean here school education. जी Then next is the higher education, and the third aspect is the teacher education. So this policy is divided into these three major areas. So if I come on to the school education, a big change has been brought up through this policy in the structure, in the curriculum structure. So if I talk about the curriculum structure, the earlier 10 plus 2 structure has been it has been changed with this 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure. जी Now what this 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure is. जी So I would like you to focus on this 5. What is this 5? This 5 consists of initial years of intensive care which will be given to the child in the school. A ओके child will enter the school at the age of 3 years, and that particular institution that will be catering to the needs of the child can be a preparatory school, can be a Balwatika, or specially trained teachers will be provided in those particular schools. So after going through this preparatory stage, this foundational stage, the child will enter into the preparatory stage, and that preparatory stage will be from 6 to 11 years. जी Now what will happen in the foundational stage? What are the special ingredients of this particular group? So I would like to mention this policy has a major focus on the early childhood years. This through its ECCE, Early Childhood Care Education, this policy intends to give a focused care to the children in the very tender age, जो कि अब तक की पॉलिसीज में इतना फोकस नहीं था. नो डाउट उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करी थी, लेकिन इस पॉलिसी में स्पेसिफिकली जोर दिया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात करी गई है प्राइमरी स्टेजेस में. इन्होंने ट्रेन टीचर्स की बात करी है. एक करिकुलम जो एनसीईआरटी के साथ डेवलप किया जाएगा छोटे बच्चों के लिए, उसकी बात करी गई है. उन्होंने बात करी गई है कि इस टेंडर ईयर्स में जब 3 साल का बच्चा स्कूल के अंदर आएगा तो उसको एक मदरली केयर की जरूरत होती है, उसलिए उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स की बात करी गई है. और जो करिकुलम होगा वो एनसीईआरटी के साथ डेवलप किया जाएगा, उसकी भी इसमें बात करी गई है. पूछना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के एज से ज्यादा उनका भारी बैग होता है, कि इतना बर्डन है उनपे, ये कॉपी वो कॉपी लेकर आओ, प्लस उनपे होमवर्क का भी बर्डन होता है. तो क्या एक अर्ली एज में ही उनको कि कम होमवर्क मिलेगा, ऐसा कुछ है इसमें प्रावधान? हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज मेंशन करूंगी. यहाँ पर होमवर्क का कोई प्रावधान नहीं है उस अर्ली टेंडर एज में. बच्चों को सिर्फ उनको बेसिक जो डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं उन नीड्स के केटर करने की बात करी गई है. बच्चों को यहाँ पर प्लेफुल जॉयफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की बात करी गई है. उनको नेचर के करीब लाने की बात करी गई है. उनके अंदर थोड़ा सा
जो अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन की हम एज एजुकेशनिस्ट बात करते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करी गई है। और यहाँ पर स्पेशल फोकस किया गया कि 6 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन बहुत डेवलप हो जाता है। तो उस ब्रेन डेवलपमेंट में आपको पता ही है कि हमारे देश में पेरेंट्स भी उतने ट्रेंड नहीं होते हैं कि बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए। और एक मेजर तबका जो है वो सरकारी स्कूलों में बच्चों का पढ़ता है, तो वहां पर टीचर्स का रोल और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टीचर्स को पेरेंट्स की भी भूमिका निभानी होती है। तो स्पेसिफिकली इस भूमिका को निभाने के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशल टीचर्स को प्रोवाइड करना एक बड़ा ही अहम कदम है जो इस पॉलिसी ने लिया है। बच्चा जब 4 साल का होगा तो वो LKG में आएगा, 5 साल का होगा तो वो अपर KG में आएगा, और जब वो बच्चा 6 साल का होगा, जब तक उसका मेजर ब्रेन डेवलपमेंट एक एक बड़ा पोर्शन उसका हो चुका होगा थ्रू प्लेफुल जॉयफुल एक्टिविटीज, थ्रू वेरियस यू नो नर्चरिंग एक्टिविटीज, तो फिर वो बच्चा 6 साल का होने के बाद पहली कक्षा में आएगा। अब जब वो फर्स्ट क्लास में बच्चा आएगा तो ये फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ये भी हमारा फाउंडेशनल स्टेज में आ रहा है। जी यानी फ्रॉम फ्रॉम KG टू सेकेंड क्लास बच्चा हमारे फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा कदम रहा है कि शुरू से 3 साल की उम्र से बच्चे की नर्चरिंग करी जा रही है, उसको उसके उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पर ध्यान दिया जा रहा है, और धीरे 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 उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की तरफ ले जाया जाएगा। तो सेकेंड क्लास के बाद बच्चा जब हमारा नेक्स्ट थर्ड क्लास में जाएगा तो थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास तक का जो समय होगा बच्चे का, यानी 3 साल का, जो मैंने 3 की बात करी है, 5 + 3, 5 हो गया टिल सेकेंड क्लास, अब बच्चा आया 3 में, यानी कि 3 साल अगले उसके कैसे होने हैं, वो होगा थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। तो ये 3 सालों में उस बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। एंड दैट टू विल बी थ्रू द जॉयफुल एक्टिविटीज, थ्रू यू नो वहां पे लाइट बैग्स की बात करी गई है, बैग फ्री डे की बात करी गई है कि बच्चों को बैग फ्री डे भी ऑब्जर्व कराए जाएंगे। फोकस होगा बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट पर, और बिना बर्डन के बैग्स लाइटर ही रखे जाएंगे। होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द टीचर जी टू यू नो टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द पेडागोजी, एंड फॉर दैट पॉलिसी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट थिंग इन दिस। इट इज मेंशन देयर हाउ द टीचर्स विल बी ट्रेन एंड वट काइंड ऑफ करिकुलम दे विल बी डिलीवरिंग एंड थ्रू वट काइंड ऑफ पेडागोजिकल यू नो वेज दे विल बी डिलीवरिंग द करिकुलम। जी तो 6ठी से 8ठी तक बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज पर फोकस रहेगा, मैथ्स पर, साइंसेस पर, लैंग्वेजेस पर ध्यान दिया जाएगा, एंड दैट टू थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये एक बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने की बात करी गई है, मींस और उस कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करने के लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी। जी जो ये एक्सपीरियंस लर्निंग बोली आपने, इसके बारे में थोड़ा और हमको डिटेल में बताइए कि हाँ, क्या होगा ये। एक्सपीरियंशियल एक्चुअली एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है कि आपको रोट मेमोराइजेशन से बच्चे को निकालना है, आपको बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाना है, आपको बच्चे को क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ लेकर जाना है, आपका बच्चा वाई कर सके, मतलब अ चाइल्ड शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस। केवल ये नहीं कि आपने टिडबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चे को दिया, बच्चे ने उसको स्टोर किया और एग्जाम में जाकर के उसको पोर कर दिया, तो इट विल देयर विल बी नथिंग लाइक दिस। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है कि बच्चे को स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के थ्रू से सब्जेक्ट पढ़ाना, बच्चे को आर्ट इंटीग्रेशन के माध्यम से सब्जेक्ट पढ़ाना, बच्चा जो है उसमें एक्टिव रोल प्ले करेगा, पैसिव लर्नर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो दैट इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अ चाइल्ड विल गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक, एंड द चाइल्ड विल बी गिवन अपॉर्चुनिटीज, एंड द रोल ऑफ द टीचर विल बी ऑफ दैट ओनली फैसिलिटेटर। अ टीचर विल प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। टीचर विल provide the facilities to the child, teacher will create the situations for the child to you know stimulate child's learning, to think, so this is basically experiential learning। कि अगर ऐसा and after सिचुएशन आएगा तो वो क्या करेगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो वो हम उस टाइम पे क्या करेंगे। exactly then we give a situation to a child na and make the child to think, जी then the actual learning takes place। जी ऐसे so ही this is what जी इसी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, तब उन्होंने एक चीज भी बोली थी कि हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे व्हाट टू थिंक, जो आज तक पुरानी शिक्षा नीति में हमने देखा है कि बच्चों को सिर्फ व्हाट टू थिंक नहीं सिखाएंगे, उनको सिखाएंगे हाउ टू थिंक, उनको ऐसा प्रैक्टिकल एग्जैक्टली सिचुएशंस देंगे ताकि उनका दिमाग चलना शुरू करे कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड हाउ टू एनालाइज अ सिचुएशन एंड गेट टू द कंक्लूजन कि व्हाट इज राइट।
Exactly, exactly. जी Actually, the focus is on developing a mindset, a kind of mindset in the children, जी where our children can be problem solvers. जी They can be good analysts. जी You know, they can be decision makers. So the whole intention of this policy is to create such kind of generations in future that will be competent in 21st century skills. This is the sole motive of this policy. ताकि उनके अंदर कुछ And लॉजिक बिल्डिंग हो पाए, और ऐसे ही मेरे exactly. ख्याल से एक कोई कंट्री है वहां के स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि उनको प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्सेप्ट्स लिखकर नहीं समझाए जाते, उनको फॉर्मूला नहीं समझाया जाता प्रॉफिट एंड लॉस का, उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती है। अपने स्कूल में उनका एक लेक्चर होता है या मे बी कुछ उनको एक टास्क दिया जाता है कि कैंटीन में बैठो और जो भी मनी तुम्हारे पे इनिशियली है और जो बाद में आता है एक्सचेंज करके चीज बेच के या चीज खरीद के, तो उसके बेसिस पे तुमको प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट समझ आएंगे। तो ये खाली पेपर का काम नहीं है जो हम कॉपी में लिख कर This आते। is experiential learning, Ishita. This is experiential learning. जी So, अब इसी ऐसा ही मतलब कहा गया है कि सभी टीचर्स को इसके थ्रू कराना होगा. सब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज को भी ब्रेक करने की बात करी गई है. कभी आप मतलब ये एक मैथ्स टीचर के लिए काफी मुश्किल होता होगा कि वो किस तरह से थिएटर के माध्यम से बच्चों को मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट दे सकता है. जी तो थिएटर ड्रामा के माध्यम से आप बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम भी समझा सकते हैं. तो ये एक डिफरेंट प्रकार की पैडागोजी होगी और ये सभी बच्चों की नीड्स को केटर करेगी. क्योंकि आप सभी हम सभी इस चीज को जानते हैं, हर बच्चा हर एक तरीके से नहीं सीखता. जी कुछ बच्चे देख के सीख जाते हैं, ब्लैक बोर्ड से भी सीख सकते हैं, सिंपल, इट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अगर आप उसके अंदर थोड़ा और फन एलिमेंट डाल देंगे तब वो बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं. इमेजिन करके सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, बोल करके, सुन करके सीखते हैं, खुद इन्वॉल्व होकर के सीखते हैं. तो हर बच्चे की अलग अलग लर्निंग नीड्स होती हैं. जी और ये हमारी जो पॉलिसी है ये बात उसी टीचर की कर रही है जो इतना कॉम्पिटेंट इनफ हो कि वो हर बच्चे की नीड्स को केटर कर पाए. ये सुनने में तो तो काफी यहाँ अच्छा लग रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम को हम थिएटर के थ्रू समझाएंगे, एक्ट करके ड्रामा यस समझाएंगे, यस लेकिन एंड आर ये टीचर तो शुड बी जी कॉम्पिटेंट इन दैट. एक टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि उस चीज को कैसे एक थिएटर के फॉर्मेट में उतारा जाए, लेकिन ये चीजें सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिकली। ऑन द अदर हैंड इशिता, जी हाँ, ऑन द अदर हैंड इट विल बी एंजॉयबल फॉर द टीचर एज वेल. होगा तो सही, मैं वही कह रही हूँ, सुनने में काफी चीजें फैसिनेटिंग है ये, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये सिर्फ कागजी हकीकत है या इसको जमीन पर भी उतारा जाएगा। वो इशिता अगर हम बात करें तो वो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में ही फ्लॉज रहते आए हैं अब तक पॉलिसीज में. अगर मैं पिछली पॉलिसीज की बात करूं तो पिछली पॉलिसीज ने भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस की बात करी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी है, बहुत सारे उसके अंदर भी चेंजेस लाए गए थे, बहुत सारी चीजों की बात करी गई है. काफी कुछ हमारी इस पॉलिसी में वही चीजें भी देखने को मिलती हैं. बट पॉइंट क्या है, करंट सिचुएशन, एजुकेशन का जो स्टेटस है वो हमारे सबके सामने है, जी स्पेशली इन द रूरल एरियाज. तो कहीं ना कहीं तो लैकिंग हुई है ना, कहीं ना कहीं तो लैक्यूना रहा है. वो लैक्यूना कहाँ रहा है, ऑब्वियस सी बात है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में रहा है. जी तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात आपसे कहूँ यहाँ पर, तो पॉलिसी में मेंशन किया गया है अ लाइट बट टाइट स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड. तो अब वो लाइट बट टाइट स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा, उसको लेकर के भी कुछ एप्रीहेंशन है हमारे अंदर. एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट स्ट्रक्चर टू कम, यू नो, कम टू द पब्लिक में, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. अभी यही पे इशिता मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी. कल ही मैंने एक सर्कुलर देखा है जिसमें मिनिस्ट्री ने सजेशंस मांगे हैं. कल ही मैंने रात को वो सर्कुलर देखा है कि मिनिस्ट्री ने टीचर्स से, एजुकेटर्स से, एजुकेशनिस्ट से ऑल ओवर द कंट्री सजेशंस मांगे हैं, स्ट्रक्चर मांगा है, प्लान मांगा है कि हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. जी और इस पॉलिसी की सबसे बढ़िया बात यही रही है कि इस बार इसमें जो ड्राफ्ट बनाने के लिए इन्होंने टीचर्स को इनवाइट किया, इन्होंने हर स्टेक होल्डर के इसमें व्यूज लिए हैं. ओपन था, इट वॉज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ दिस पॉलिसी. दिस इज हाईली अप्रिशिएबल. इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. और अब जब मैंने कल वो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखा तो तब भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि इम्प्लीमेंटेशन टीचर का से हो सकता है. अ जी टीचर कैन प्ले अ मेजर रोल इन डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. हम्म, सो दे हैव इन्वाइटेड, यू नो, व्यूज फ्रॉम द पीपल एंड सर्टेनली दे विल बी इनकॉर्पोरेटिंग सम ऑफ द वैल्यूएबल व्यूज इन टू इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर.
ओके तो अभी मैं यहाँ पर इशिता बात कर रही थी, मैंने बात करी थी फाउंडेशनल 5+3 तक स्टेज की, मैंने बात करी प्रिपरेटरी स्टेज की, मैंने बात करी मिडिल स्टेज की। जी। अभी हमारा मिडिल के बाद क्या, आठवीं के बाद क्या? तो आठवीं के बाद बच्चा नौवीं में जाएगा, नाइन्थ में जाएगा। तो ये जो नाइन्थ से लेकर अभी तक क्या था, नाइन्थ और टेंथ को सेकेंडरी कहते थे, इलेवेंथ और ट्वेल्थ को सीनियर सेकेंडरी। जी अब ये हटा दिया है बाउंड्री, नाइन्थ टू ट्वेल्थ को पूरा का पूरा क्लब करके कह दिया है सेकेंडरी, दैट विल बी द सेकेंडरी स्टेज नाइन्थ टू ट्वेल्थ। अब एट्थ के बाद जब बच्चा आएगा नाइन्थ में, तो उसको चॉइस दी जाएगी, बच्चा अपने पसंद के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, जो कि इस पिछली पॉलिसीज में या पिछले अब तक क्या होता है, या अब तक बच्चे को टेंथ में चांस मिलता था, वो अपनी पसंद की स्ट्रीम लेता था। स्ट्रीम लेता था, ध्यान रखिएगा इस बात का, सब्जेक्ट अपनी पसंद के नहीं ले पाता था। जी बच्चे ने अगर साइंस स्ट्रीम ली है, तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जी भले चाहे उसका इनमें से किसी एक में रुझान ना हो, बट पढ़ना होगा क्योंकि स्ट्रीम ये ऑफर कर रही है। अब बच्चे को बाउंड्रीज को ब्रेक करके ये ऑफर किया जाएगा कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टडी आर्ट्स ऑल्सो। यू आर्ट्स मतलब यू नो क्रिएटिव, क्रिएटिविटी थिंग, सो यू कैन स्टडी पेंटिंग, ड्रॉइंग, यू कैन स्टडी म्यूजिक, डांस, ड्रामा ऑल्सो इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। सो जी दिस इज अ गुड स्टेप, एंड दे आर ऑल्सो इंटेंडिंग टू ब्रेक द बाउंड्री ऑफ वोकेशनल एंड एकेडमिक। अब तक क्या होता आया है कि कम नंबर है तो लो वोकेशनल मिलेगा तुमको, तो वोकेशनल वाले बच्चों को भी लगता था कि एक एक टैबू जैसा हो जाता था कि हमारे परसेंटेज टेंथ में कम आए हैं, इसलिए हमें वोकेशनल में जाना ही पड़ेगा, भले जी चाहे उनका इंटरेस्ट ना हो, तो वोकेशनल करना ही पड़ेगा। लेकिन अब वोकेशनल और एकेडमिक को जो इन्होंने एक बीच में बाउंड्री थी उसको हटा दिया गया है। एनीबडी कैन परस्यू एनी वोकेशनल सब्जेक्ट जी एट एनी यू नो स्टेज ऑफ लर्निंग फ्रॉम जी नाइन टू ट्वेल्व। एक चीज आपने बोली थी कि तुम्हारे को स्ट्रीम जो मिलेगी उसमें जो भी पर्टिकुलर डिजाइन सिलेबस है वही पढ़ना पड़ेगा। लाइक साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या मेडिकल लोगे तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे एक मैं ये कहूँ कि एक पैटर्न ये भी है कि अगर तुम्हारे 80% से ऊपर मार्क्स आया तो तुम साइंस ही लोगे, बेशक तुम्हें साइंस में कुछ ना इंटरेस्ट हो, तुम्हें करना हो आगे जाके IAS बनना हो, तो उसके लिए तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूरी है, राइट? उसको साइंस जरूरी शायद नहीं होगी, उसके लिए जानना ज्यादा जरूरी है कि हमारा देश का हिस्ट्री कैसा था, ज्योग्राफी कैसा था, और वो शायद जानना ज्यादा जरूरी होगा। एक केस ये अब भी मुझे आता लगा है, है। जी एक केस ये भी आता है कि काफी जैसे मैं बीटेक का एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपने आसपास जितने भी लोग देखे हैं काफी, वो ये करते हैं कि उनको कर तो ली बीटेक, लेकिन इसके बाद अब उनको IAS की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो फिर बैक टू 12th क्लास की जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे पढ़ते हैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी का सिलेबस वो उठा के पढ़ते हैं। तो ये चीज जो आपने बताई कि एक बैरियर तोड़ देगा, जो बैरियर आज तक लगा रहा है कि साइंस वाले हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री वाले साइंस नहीं पढ़ेंगे, वो शायद इससे कम होगा। ये शायद बहुत हद तक इससे कम होगा। जी अगेन अगर इम्प्लीमेंटेशन पर बातें आकर के रुक जाती हैं, सारी इम्प्लीमेंट होती है पॉलिसी, तो सर्टेनली ये बैरियर जो है ये जरूर डिसअपियर होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ती हूँ। क्या अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा असेसमेंट के बारे में बताऊँ इशिता? हाँ जी बिल्कुल बताइए असेसमेंट के बारे में, ओके, और और फिर असेसमेंट से पहले मैं एक एक चीज और बताना चाहूंगी। यहाँ पर इस पॉलिसी में एक जो काफी अच्छा स्टेप लिया गया है, हालांकि उसके लिए भी एक बड़ी रोबस्ट प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, और कहीं ना कहीं वो टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, वो स्टेप है ब्रिंगिंग बैक यू नो ड्रॉप आउट टू द स्कूल। ये काफी चैलेंजिंग टास्क रहेगा। जो एक सर्वे हुआ था उसमें मतलब अराउंड 2 करोड़ चिल्ड्रन दे वर फाउंड टू बी आउट ऑफ स्कूल बिटवीन द एज ऑफ 6 to 17 years। जी तो उन बच्चों को वापस लाना, कैसे लाना, अगर टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया तो उनके लिए काफी टायरिंग रहेगा, और ला करके उसके बाद आगे क्या उनको किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना या कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग काम मुझे लग रहा है जो कि होने वाला है। बट देखा जाए तो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये SDG 4 में जो हम लोगों का, जो हमारे देश का एक मेजर एक ग्लोबल एजुकेशनल एजेंडा है कि इक्विटेबल एंड यू नो क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड एंश्योरिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, उसके अंतर्गत
हम इन बच्चों को ड्रॉपआउट्स को स्कूल्स में लाने का इन्होंने जो है प्रावधान रखा है। जी अब मैं आती हूँ यहाँ पर असेसमेंट की। अगर मैं बात करूँ तो असेसमेंट के लिए इशिता यहाँ पर काफी चेंजेस की बात करी गई है कि अब बच्चों का असेसमेंट केवल कोर सब्जेक्ट पे नहीं होगा बल्कि कोर कॉम्पिटेंसीज पर असेसमेंट होगा उनका। केवल इनके ऊपर ये नहीं डिटेल होगा कि समझा नॉलेज दीजिए टेस्ट करनी है। जी, हाँ, इनके नॉलेज बारे में टेस्ट बताइए। नहीं करनी, उनकी कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट करनी होगी, उनके उनके बिहेवियरल मेजर्स को जांचना होगा, उनके एटीट्यूड एप्टीट्यूड को जांचना होगा, उनका अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का कैसा हो रहा है उसके बेसिस पर असेस किया जाएगा बच्चों को, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पेन पेपर टेस्ट। ओके, अब इस असेसमेंट में भी स्किल आपको मैंने यहाँ पे शायद मेंशन किया था, 6 से जो बच्चे की पढ़ाई शुरू होगी उसमें स्किल्स डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। बच्चे को शुरू से उसके इंटरेस्ट का कोई ना कोई एरिया जो भी वो चाहता है उसको लेकर के 6ठी से ही उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ताकि बच्चा अगर कभी भी किसी भी स्टेज पे स्विच करने की सोचे तो वो इतना कॉम्पिटेंट हो, वो इतना स्किलफुल हो कि आगे उसी स्किल को लेकर के आगे हायर एजुकेशन वो कर सके। जी तो असेसमेंट में उसका भी ध्यान रखा जाएगा, बच्चे की स्किल्स को भी असेस किया जाएगा। और यहाँ पर एक 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात हुई है। हालांकि ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड थोड़ा थोड़ा सिमिलर है जो हमारा CCE आया था, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, उसके अंतर्गत भी हम बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स को डिजाइन करते थे। लेकिन ये मुझे उससे इसलिए डिफरेंट लग रहा है कि इसमें सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट को भी स्पेस दिया गया है, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जी पीयर असेसमेंट मतलब हाँ, दोस्त लोग एक दूसरे को असेस करेंगे। मैं बताती हूँ। वैसे तो ये सेल्फ और पीयर असेसमेंट हमारे अगर हम देखेंगे तो CBSE ने जो क्लास 10th में असेसमेंट पैरामीटर्स डिजाइन करे हैं उसमें फॉलो किया गया था। इस साल पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट को लेकर के बच्चों का टीचर्स की भी काफी ट्रेनिंग हुई थी, रूब्रिक्स वगैरह टीचर्स को डेवलप करने भी सिखाए गए थे कि ये जरूरी है, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो पाया था। इस पॉलिसी के थ्रू इसको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी गई है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द टीचर्स टू लर्न अबाउट सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट एंड टू यू नो ट्रेन चिल्ड्रन आल्सो इन द सेम। तो उसमें क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट मतलब अ चाइल्ड शुड बी अवेयर ऑफ हिज और हर एबिलिटीज एंड चाइल्ड शुड बी एबल टू असेस हिज और हर यू नो एलिवेशन इन दोज एबिलिटीज। चाइल्ड शुड बी एबल टू लुक बैक एंड देन प्लान फॉर द फ्यूचर कि व्हाट शुड बी माई स्टेप इन यू नो इफ आई एम लैकिंग इन समथिंग देन हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर। अ चाइल्ड शुड बी एबल टू डू हिज और हर ओन असेसमेंट, सो दैट इज द सेल्फ असेसमेंट। सो इट विल हैव सम यू नो पैरामीटर्स फॉर दैट इन द रिपोर्ट कार्ड वेयर चाइल्ड विल गिव ग्रेड्स टू हिमसेल्फ। एंड पीयर असेसमेंट इज वॉट लाइक अगर आप इसको देखें तो टीचर्स की के अंदर पेडागोजिकल चेंजेस को लेकर के ट्रेनिंग्स की बात करी गई है, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग की बात करी गई है, टीचर कॉम्पिटेंसीज को निखारने की बात करी गई है इसके अंदर। तो पीयर उसी कॉम्पिटेंसी का एक हिस्सा होता है कि हम बच्चों को ग्रुप लर्निंग के थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करें। अब जब आपने बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है, तो ओनली टीचर कैन नॉट एक्सेस द चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट। पीयर्स आर द मेजर यू नो दे प्ले अ मेजर रोल इन असेसिंग यू नो एवरी अनदर, जी दे प्ले अ मेजर रोल इन असेसिंग ईच अदर। तो वहां पे जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी गई है उसमें किस किस के अराउंड आप बच्चों को असेस करेंगे, आपको बच्चे का इन्वॉल्वमेंट देखना होगा, पीयर के साथ रिलेशन, बच्चे को ये भी देखना होगा कि हाँ उस साथी ने इसमें इन्वॉल्वमेंट करी है, इनिशिएटिव लिया है, ग्रुप स्पिरिट टीम वर्क की स्पिरिट है उसके अंदर, और वो कम्युनिकेशन भी ठीक रखता है अपने ग्रुप में और टाइमली कंप्लीट करता है किसी टास्क को जो भी टीचर ने दिया है, या ग्रुप को कोई भी टाइम स्लॉट असाइंड है तो उसी टाइम में वो उस ग्रुप टाइम को कर पा रहा है। सो दिस वे देयर विल बी सर्टेन थिंग्स अराउंड व्हिच अ चाइल्ड विल बी असेस्ड बाय द पीयर्स। तो ये एक अच्छी चीज लगी है क्योंकि इस पॉलिसी में पीयर लर्निंग पर फोकस दिया गया है जी जो कि आज से पहले कभी नहीं था। पीयर लर्निंग पर फोकस नहीं था जबकि पीयर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ यू नो जी whether if we talk about development of values in students, whether we talk about you know engaging in the society related activities, community activities, we have to you know believe in coexistence जी and to inculcate that value of coexistence. This peer learning is something very important. बल्कि This इसमें goes. मैं ये और ऐड करना चाहूंगी कि हम अपने फ्रेंड से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू आर फैकल्टी और एज कम्पेयर टू आर पेरेंट्स।
हाँ, अब टीचर्स और जैसे पेरेंट्स, जैसे राइट। मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस ये रहा था कि जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हमने एग्जाम से पहले तक, तो एग्जाम की मॉर्निंग या एग्जाम से एक रात पहले हमारा फ्रेंड है वो हम सबको कॉल पे लेके या मिलते थे तो वही पढ़ा देता था, तो वो लर्निंग ज्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू जो टीचर पढ़ाते हैं या जो पेरेंट्स पढ़ाते हैं। तो जो ये एक बिल्कुल आपने फ्रेंड सही, का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा है। आपने ये बिल्कुल इशिता बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पर कि फ्रेंड्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और जो हम साथ में करते हुए सीखते हैं जी वो काफी, मतलब वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग में बदल जाता है। तो जी उसी इन्हीं चीजों पर इस पॉलिसी में फोकस किया गया है। एक चीज आपने बोली थी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस के बारे में, कि काफी लोग ओके ऐसे ओके हैं जिनकी ओके। पढ़ाई छूट जाती है, तो उनके लिए क्या है फिर हाँ, आगे? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि मल्टीपल एंट्री का जो ऑप्शन है और एग्जिट का, ये हायर एजुकेशन में बात कर रहा है, सो दैट इज अबव स्कूल एजुकेशन। सो आई वाज अबाउट टू मूव इनटू हायर एजुकेशन। तो अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस पॉलिसी में लगी है इशिता, वो ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं अब उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, कॉलेजेस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। मतलब अब जैसे अभी तक होता था स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक कॉलेज होता था, एजुकेशन के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बीएड कॉलेजेस होते थे, तो अब एजुकेशन को कॉलेजेस में डिफरेंट कॉलेजेस में एज अ सब्जेक्ट, एज अ यू नो एज एन एरिया इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है यहाँ पर, जिससे कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दूसरा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट को मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि अभी तक जैसे ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का नॉर्मल ग्रेजुएशन बीएससी बीए और बीकॉम होता है, तो इनकी प्लानिंग है कि 4 साल का करेंगे डिग्री कोर्स। अब उस 4 साल के डिग्री कोर्स में इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू स्टे देयर फॉर 4 ईयर्स टिल द कम्पलीशन। इफ अ चाइल्ड फील लाइक कि हाँ मुझे अब यहाँ से एग्जिट करके कुछ और करना है या उसी अपनी उस लाइन को लेकर आगे बढ़ना है, तो चाइल्ड कैन एग्जिट। अब कैसे होगा ये एग्जिट का, जैसे मान लीजिए एडमिशन लिया, 1 साल के बाद उस बच्चे को किसी परिस्थितियों की वजह से या तो छोड़ना पड़ेगा डिग्री कोर्स या उसकी नीड है, मे बी 1 साल की वो जो ट्रेनिंग है वो इस प्रकार की होगी कि वो बच्चा स्किलफुल होकर के निकलेगा, कि वो उसके किसी यूज की रहेगी, तो वो 1 साल के बाद उसे सर्टिफिकेट कोर्स में सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद अगर बच्चा एग्जिट करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर वो बच्चा 3 साल के बाद एग्जिट करता है तो उसको वो जो 3 साल का जो उसने टाइम वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है उसको 3 साल की वो मिलेगी डिग्री। और अगर वो बच्चा पूरे 4 साल के लिए स्टे करता है और 4 साल में भी वो रिसर्च अगर लेता है एज अ सब्जेक्ट, तो उसके लिए ये फायदा रहेगा कि वो बच्चा आगे पीएचडी में एनरोल हो सकता है। और अगर वो बच्चा 3 साल के बाद छोड़ के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहता है, तो वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करके और फिर अपनी हायर स्टडीज में जाना चाहता है तो भी वो पीएचडी में एंट्री कर सकता है। तो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट का यहाँ पर ऑप्शन है एग्जिट का। हाँ, एक चीज जो पॉलिसी में मतलब काफी फेमस हो रही है कि एक लैंग्वेज बैरियर हटा देंगे, कि बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो काफी हाईलाइट हो रहा है इस पॉलिसी के लिए, तो इसके बारे में एग्जैक्टली। थोड़ा बताइए हमें। हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस पॉलिसी की विजन में है कि इंडियन एथोस, कल्चर और ट्रेडिशन को बच्चों के अंदर लेकर आना, इनकलकेट करना उसके अंदर। तो इसकी हर, चाहे वो कॉम्पिटेंसी हो, पैडागोजी हो, स्ट्रक्चर हो करिकुलम का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स की बात हो, सभी के अंदर जो बात जा रही है वो यही है कि बच्चे को जो एक बच्चे को कल्चरली और ट्रेडिशनली इंक्लाइंड होना होगा अपने देश के प्रति, और एक नए इंडिया जिसको भारत कहते हैं उस भारत को समझना होगा, उसको जानना होगा। तो उसी की लाइन में मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चे के लिए, जिसने जो टेंडर एज है बच्चे की, प्राइमरी जिसको हम फाउंडेशनल बोल रहे हैं, प्रिपरेटरी स्टेज बोल रहे हैं, तो बच्चे के लिए कंपलसरी होगा 5 क्लास तक मदर टंग में जी सीखना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो मदर टंग में होगा, बच्चे की जो भाषा है, जो लोकल भाषा है, उसमें उसको कराया जाएगा। क्योंकि जी आप सभी को पता है कि अपनी भाषा से हम लोग ज्यादा जुड़े होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और हम ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ के इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो शुरू से ही इस चीज को ध्यान रखा जाएगा। अब उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा, जिसमें इंग्लिश को सिर्फ एक भाषा की तरह से पढ़ाया जाएगा। इट विल नॉट एट ऑल बी कंपल्सरी टू टीच मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस इन इंग्लिश। दे विल बी टॉट इन
मदर टंग, यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत मदर टंग पर फोकस किया जा रहा है और बच्चे की जो प्राइमरी इनिशियल स्टेजेस की जो लर्निंग होगी दैट विल बी इन द मदर टंग एंड इट इज मैंडेटरी टिल क्लास 5 एंड इट विल डिपेंड ऑन द स्कूल एंड द स्टेट टिल क्लास 8। तो जो मैथ साइंस सोशल साइंसेज हैं वो बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाने का प्रावधान है क्योंकि मदर टंग में बच्चा ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाता है, अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट कर पाता है चीजों को, तो इसीलिए इस पर फोकस किया गया है। जी, जहाँ पे बच्चा रहता है, जहाँ जो भाषा बोली जाती है उसके अनुसार उसकी पढ़ाई होगी। और लेकिन अगर जो ऐसा हमारा कोई, 8th शेड्यूल है, जी अगर, कोशिश की जाएगी कि जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन भाषाएं हैं उन भाषाओं में बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया जा सके उसके एरिया के अकॉर्डिंग वो जहाँ रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हुआ कि किसी के पेरेंट्स की ट्रांसफरिंग जॉब है, तो आज वो पंजाब में पढ़ रहा है और 1 साल बाद उसके फादर की ट्रांसफर हो गई तो उसको चेन्नई जाना पड़ा, तो वो तमिल में पढ़ेगा। लेकिन ये चीज बच्चे के लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि एक कभी तो वो पंजाबी में पढ़ रहा है और कभी वो एकदम तमिल में पढ़ रहा है। दोनों में कल्चर का बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। ये मेरा सबसे बड़ा एक एप्रिहेंशन है कि इसको कैसे इस चैलेंज से फाइट किया जाएगा। क्योंकि जी अगर ट्रांसफरेबल जॉब है, बच्चा अभी 8th तक सपोज करे अपनी मदर टंग में पढ़कर आया है जी और फिर वो आगे एक ऐसे एरिया में चला गया, साउथ का बच्चा नॉर्थ में आ गया, फिर आगे टीचर के लिए भी चैलेंज रहेगा और बच्चे के लिए भी चैलेंज रहेगा। और इट इज नॉट नेसेसरी कि हर स्कूल में हर भाषा का एक शिक्षक मौजूद हो, तो ये जी भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो एक सबसे बड़ा एप्रिहेंशन है कि ये चीज कैसे मैनेज होगी। हालांकि पॉलिसी बात करती है कि लैंग्वेज के आधार पे काफी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, मतलब इन्होंने ऐसा प्रोविजन रखा है कि बहुत सारे शिक्षकों की रिक्रूटमेंट करी जाएगी जिनको लोकल भाषाओं का ज्ञान होगा, जिनको नॉलेज होगी उसी पर्टिकुलर एरिया में करने की। अब इसी के लाइन में अगर मैं आगे आपको बताऊं तो टीचर रिक्रूटमेंट में मैं यहाँ थोड़ा सा लाइट थ्रो करना चाहूंगी कि ये कैसे होगा, कैसे लोकल भाषा जानने वाले टीचर्स को ये एंट्री कराएंगे। तो जी उसके लिए थोड़ा सा रिक्रूटमेंट में भी चेंजेस करे गए हैं, टीचर एजुकेशन में चेंजेस करे गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स की बात करी गई है। जो गांव के इलाके होते हैं, लोकल एरियाज होते हैं, वहां पे 12वीं के बाद मेरिट स्कॉलरशिप दी जाएगी, हालांकि ऑल ओवर इंडिया दी जाएगी ये। तो मेरिट के आधार पे बच्चे लेकर के आएंगे और वो 4 साल का बीएड करेंगे, वो बैचलर्स डिग्री करेंगे, मतलब दैट इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिग्री। तो आफ्टर 12th बच्चों को वो करना होगा, उसके बाद उन बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड भी होंगी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू, और वो के उसी पर्टिकुलर एरिया में कोशिश होगी कि उनकी जॉब वहीं उसी पर्टिकुलर एरिया में लगे जहाँ वो रहते हैं, जहाँ के स्कूलों में वो कार्यरत हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज लगी कि लोकल यूथ इससे ज्यादा इंक्लाइंड होगा कि भाई इस प्रोफेशन में वो आए और अपने ही समाज के लोगों के लिए, अपने ही एरिया के लोगों के लिए वो कुछ काम अच्छा कर सके। और इसमें एक और चीज बात करी गई है कि स्कूल्स में मास्टर एक्सपर्ट्स को हायर करने की बात की गई है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट में, पॉटरी में, म्यूजिक में, डांस में, ड्रामा में जो लोकल एरिया के जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा बेस्ट कोई कर नहीं सकता है, तो उन लोगों को एक चैनल के थ्रू एज मास्टर एक्सपर्ट हायर करने की भी इसमें बात करी गई है बच्चों के लिए। तो जी ये तो यहाँ पर ये बात हुई। अब मैं थोड़ा सा टीचर एजुकेशन के बारे में अगर बताना चाहूँ जी तो आफ्टर 12th अगर कोई बच्चा बच्चा सोचता है कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, मुझे टीचर बनना है, तो वो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स करके टीचिंग के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब किसी बच्चे को अगर लगता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद करे, तो ग्रेजुएशन के बाद उस बच्चे को 2 साल का बैचलर्स इन एजुकेशन करना मैंडेटरी होगा। और अगर वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बनना चाहता है तो उसको 1 ईयर का बैचलर्स इन एजुकेशन करना पड़ेगा। अब ये डिग्री हो गई उसकी कि वो एक टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें भी टेट जो होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में सभी जानते होंगे कि इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब या के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी तक भी कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल्स तो टेट मांगते हैं, लेकिन जो बजट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं छोटे, वहां पर इसको इतना मेजर इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन पॉलिसी में कहा गया है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, टेट इज कंपल्सरी। और टेट को भी थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है कि टेट अब केवल नॉलेज नहीं जांचेगा, वो आपकी पैडागोजी पर फोकस करेगा, वो आपकी ट्रांजेक्शनल प्रैक्टिसेस पर फोकस करेगा। और उस टेट को स्ट्रेंथन करने का काम जो है एनएटी करेगा, एनटीए करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट विल स्ट्रेंथन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये बात करी गई। तो
जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है दैट विल बी स्ट्रेंथन बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. जी तो वी कैन से दैट कि क्वालिटी टीचर्स ही अब हमारे इस प्रोफेशन में एंटर करेंगे. और जैसे अब तक होता आया है कि कॉरेस्पॉन्डेंसेस से भी मतलब डिग्री लेकर के आप डायरेक्टली टीचर बन सकते थे टेट क्वालिफाई करके. आप थोड़ा सा यहाँ पर एक चेक लगाएंगे कि ओनली रिटन टेस्ट विल नॉट बी सफिशियंट. अ टीचर हैज टू गो थ्रू इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल. तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में स्पेशली विदाउट एनी टेस्ट और विदाउट एनी इंटरव्यू टीचर्स को रिक्रूट कर लिया जाता था, जो कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक यू नो बच्चों के लिए तो लैकिंग उसमें आएगी ही आएगी. तो प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी देश का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी देश का बच्चा है. तो हर बच्चे को अधिकार है कि वो एक कॉम्पिटेंट शिक्षक के हाथों से निकले. तो जी, क्योंकि ये एक अच्छा कदम. मेरे ख्याल से टीचर सिर्फ वही नहीं होता जो कॉपी चेक कर सकता है। टीचर के एक वो भी पर्सन है जो बच्चों को इजीली समझा पाए और बच्चों को समझ आए कि ज्ञान होना एग्जैक्टली काफी नहीं है, ज्ञान बांटना भी आना चाहिए। एक अच्छे टीचर की शायद वही खासियत होती है। एग्जैक्टली. देखिए जो एजुकेशन है इशिता, ये ह्यूमन मेकिंग फिनोमेना है. और टीचर जो है वो केवल एक कंटेंट डिलीवरी का माध्यम नहीं है. कंटेंट डिलीवरी तो आप टॉप ग्रेडर जो भी टॉपर्स होते हैं और ये कंटेंट में अच्छी कमांड होती है उनकी, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर भी हो जाए. तो जी कंटेंट नॉलेज से ज्यादा यहाँ पर है इम्पोर्टेंट चीज, वो है द वे यू कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद योर चिल्ड्रन, द वे यू कैन मेक योर स्टूडेंट यू नो थिंक इज वेरी इम्पोर्टेंट. किस तरीके से समझ पाए वो आपने अगर जान करके अपने अंदर अपनी पैडागोजी में वो चेंजेस ले आए और बच्चे को वो चीजें लर्न करने में एक फैसिलिटेटर का काम आपने कर दिया, देन यू आर अ टीचर. बाकी किसी बच्चे को आपकी आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या नहीं है इससे बच्चों को कोई लेना देना नहीं होता. जी तो ये यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखा गया है कि बच्चे अगर टीचर को रिक्रूट करना है तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसके अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड एप्टीट्यूड भी होना चाहिए. इट विल बी टेस्टेड थ्रू इंटरव्यूज एंड डेमोन्स्ट्रेशन जी एक चीज आपने बताई एंड हमें, दैट विल बी टेस्टेड थ्रू इंटरव्यूज एंड डेमोन्स्ट्रेशन. एक चीज आपने हमको बताई कि जो लोकल जो भी आर्ट फॉर्म्स है जैसे पॉटरी हो गया, तो वो बच्चों को सिखाया जाएगा, तो शायद बच्चों में कहीं ना कहीं ये क्वालिटी जरूर इम्बाइब होगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता और हर एक चीज को वैल्यू करना चाहिए, चाहे वो पॉटरी का काम हो या चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम हो। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है. और हमारे देश का विजन भी यही है कि वी हैव टू प्रिपेयर आर यू नो चिल्ड्रन आर स्टूडेंट्स फॉर द 21st सेंचुरी स्किल्स. और आपको ये पता भी होगा इशिता कि हमारा देश जो है वो आने वाले समय में एक यूथफुल कंट्री होने वाला है. यहाँ पे सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या होगी. जी तो अगर हमारे देश का युवा कॉम्पिटेंट होगा, स्किलफुल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा इतना सक्षम युवा होगा तो ब्रेन ड्रेन के भी चांसेस कम होंगे. और दूसरा जो एक 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 माइंडसेट होता है कि नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए, तो हो सकता है कि तब हमारे देश का युवा एक नौकरी प्रोवाइडर बन जाए, जी एक सर्विस देने वाला बने बजाय इधर उधर खोजने वाला. वो एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं. तो जी बच्चों को स्किलफुल बनाने की जो तैयारी इस पॉलिसी के थ्रू की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि हम हमारा देश जो है एक 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 श्रेष्ठता की तरफ बढ़ सके, वो एक मैन्युफैक्चरर हो सके. ओके जी तो वो इम्पोर्टर के साथ साथ एक बड़ा एक्सपोर्टर हो चीजों का, जी जॉब प्रोवाइडर हो. वो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने. तो इसकी तैयारी की जा रही है यहाँ पर. क्योंकि आपने देखा होगा इतने हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनको सर्विसेज मिल नहीं रही है. सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना होगा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हाई है, जी कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई होता जा रहा है. जी आप एक स्कोरर होने के बाद भी आप फ्रस्ट्रेटेड अगर लाइफ जी रहे हो तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एजुकेशन इफ जी यू कैन नॉट सस्टेन योर लाइफ, इफ यू कैन नॉट एस्टेब्लिश योर सेल्फ. तो ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोगों को गलत दिशाओं में ले जाती है. जी फिर वही है, फिर और जीने का तरीका उनका बदल जाता है, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बदल जाता है. दे बिकम अ डेंजर फॉर द सोसाइटी एज वेल. तो यहाँ पे शुरू से अगर बच्चों की इस तरह से ग्रूमिंग करी जाएगी कि कोई भी काम, ये सारे काम, ये सभी काम प्रोडक्टिव होते हैं और इन कामों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है. अगर एक छोटी सी चीज बनाने का काम हो, पॉटरी का काम हो, तो पॉटरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, हमारे कल्चरल रूट्स है. तो पॉटरी सीखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और पॉटरी का कितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो ये छोटा काम नहीं है. अब एजुकेशन के माध्यम से यही चीज सिखाने की कोशिश की जाएगी कि
कोई काम छोटा नहीं होता, यू हैव टू गो बाय योर इंटरेस्ट। जी आप अगर इंटरेस्टेड हैं किसी कार्य को करने में तो उसका सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, उसका सपोर्ट स्कूल प्रोवाइड करेगा, उसका सपोर्ट हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर योर स्किल। एक चीज आपने बहुत इम्पोर्टेंट बोली, इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट को आज तक जो होता आया है या जो मैंने आज तक अपने लाइफ में लोगों को देखा है, तो वो इंटरेस्ट वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है जर्नलिस्ट बनने का, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर ऐसा होता है कि वो इंजीनियरिंग का फॉर्म भराते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है कुछ और करने का, लेकिन वही है कि वो एक रैट रेस में फंस जाते हैं कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें सीए बनना है, और वो अपना इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर पाते। तो ये इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आप कह रहे हो कि जो नई शिक्षा नीति है वो इस इंटरेस्ट वर्ड को केटर कर रहा है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी इस इंटरेस्ट वर्ड को केटर कर पाएगी, जो इम्पोर्टेंस दे पाएगी? यहाँ पे मैं बताऊंगी इशिता, इसमें ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये ओवरनाइट फिनोमेना बिल्कुल भी नहीं है, इट विल टेक टाइम। तभी पॉलिसी ने जितने भी इंटरवेंशन की यहाँ पर बात करी गई है उसके लिए टाइमलाइन भी उन्होंने मेंशन करी है कि बाय 2030 वी विल डू दैट, बाय 2030, बाय 2040 ऑल द कॉलेजेस विल बी मल्टीडिसिप्लिनरी। तो ये एक दिन में नहीं होगा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और काफी लंबा चलेगा। और इसमें स्कूल्स की एक अहम भूमिका होगी। स्कूल्स में जो शिक्षक होते हैं वो माइंडसेट्स को शिफ्ट करने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं थ्रू काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, थ्रू काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो सोसाइटी, इसीलिए तो शायद टीचर को एक सोसाइटी का रिस्पेक्टेबल पर्सन बोला जाता है, क्योंकि टीचर ही है जो इस देश का निर्माण करता है एक तरह से। तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए पेरेंट्स का, सोसाइटी को कैसे थिंक करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। शायद इसीलिए ये आपने इस चीज को भी जाना होगा, अगर आपको किसी देश को बदलना है तो उसकी एजुकेशन को बदल डालो जी। तो अगर हमारा देश कल्चरल ट्रेडिशनल एथोस की बात कर रहा है, हमारे यूथ को रूट से जोड़ने की बात कर रहा है, तो दैट कैन सर्टेनली बी डन ओनली थ्रू एजुकेशन। और ये जो माइंडसेट में शिफ्ट आएगा कि भाई नंबर आने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को बस इंजीनियर या डॉक्टर बना दो या उसका इंटरेस्ट जानने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस वाली जो लोगों के अंदर ये वाली जो एक मानसिकता है इसमें भी बदलाव आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन टाइम लगेगा इसके लिए। ये ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इसके लिए भी टाइम लगेगा जी। बल्कि एक एज फार एज आई रिमेम्बर एक सर्वे था, उसमें ये देखा गया था कि जो कंट्रीज की सबसे ज्यादा जीडीपी है, अगर हम उनकी एजुकेशन देखें तो उसमें जो है बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया गया है शुरू से ही। मतलब अगर वो कल्चरली रूटेड है तो उनका जीडीपी उतना ज्यादा है जितना वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। नहीं तो होता तो क्या है? है जी, नहीं तो होता क्या है कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि सेब खा ले और स्कूल जाके हो जाता है कि एप्पल खा ले। अब एक छोटे बच्चे का मानसिकता के हिसाब से देखे तो वो सेब और एप्पल में और अगर कोई तीसरी लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारा बच्चा फिर वो कंफ्यूजन की स्टेज में एडोलेसेंस तक रहता है जी, फिर उसकी ये कंफ्यूजन बनी ही रहती है और अल्टीमेटली वो इनडिसिसिव हो जाता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि उसको एक्चुअली में करना क्या है। और अगर वो डिसाइड कर लेता है तो वो अपनी बातों को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाता, कन्वे नहीं कर पाता विद कॉन्फिडेंस। उसके भी मन में कुछ डाउट्स और एप्रीहेंशन रहते हैं जिसकी वजह से फिर पेरेंट्स कहते हैं कि व्हाट वी आर डिसाइडिंग इज राइट। देखिए यहाँ पे जो बात आपने बिल्कुल सही कही है कि बच्चा घर में तो सेब सीख रहा है, स्कूल में टीचर उसे एप्पल सिखाने लगती है तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है कि एप्पल है कि सेब है। तो अब ये शायद इस पॉलिसी से ये एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला डिलेमा जो बच्चे के माइंड में रहता है वो ना रहे। बच्चा सेब घर में सुनता है तो घर में स्कूल में भी टीचर से वो सेब ही सीखेगा और तब ज्यादा शायद उस सेब से जुड़ भी पाएगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भाषा में बच्चा घर से आ रहा है, जिस भाषा से टीचर इंटरेक्ट कर रहा है, तो कनेक्शन तो बेटर एस्टेब्लिश होगा। और अंग्रेजी में उसको एप्पल कहा जाता है, ये एक विदेशी भाषा है जिसमें उसको एप्पल कहा जाता है, वो उसको एज अ फॉरेन लैंग्वेज उसको स्टडी करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि हाँ यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद ये जो एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है कि जिसे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है वो हाईली एजुकेटेड है जी, और जो जो जिसके अंदर ज्ञान पूरा भरा हुआ है, जो वाकई में एक एजुकेटेड है, जो जो जी कर आया है सब्जेक्ट को, जो रिलेशंस को जानता है, जो प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्पिटेंट इनफ है, बस उसे एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती, उसे अंग्रेजी नहीं आती, तो उसे किसी काम का समझा नहीं जाता है जी। ये हमारी आज तक की मानसिकता है लोगों की समाज में। बल्कि मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए कि इंग्लिश तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है या कोई भी लैंग्वेज,
नॉट स्पेसिफिकली इंग्लिश, बट कोई भी लैंग्वेज तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक तुमको लिटरेचर साइड में ना जाना हो उस लैंग्वेज। एग्जैक्टली वो भी अगेन बच्चे के इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करता है, वही मैंने शुरू में बोला था, अंग्रेजी या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज केवल एक भाषा है और एक माध्यम है खुद को एक्सप्रेस करने का दूसरी भाषा में, बाकी कंटेंट में नॉलेज होना और साउंड नॉलेज होना वो एक अलग बात होती है, वो आपको अपनी मदर टंग में भी हो सकती है और वो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें हो सकती है। कंटेंट नॉलेज होना एक अलग बात है और कन्वर्ट करना, एक एफिशिएंटली फ्लुएंटली कन्वर्ट करना किसी फॉरेन लैंग्वेज में, वो एक डिफरेंट बात होती है। एक चीज और आपने कही थी शुरू में, कही थी कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये सब बच्चों के लिए है, तो क्या और ये क्वालिटी एजुकेशन देगी, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव आप कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं या आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, ये एजुकेशन पॉलिसी हर टाइप के लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगी? एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्कुल यही बैरियर, यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस पॉलिसी की है, इसमें सभी बैरियर्स को तोड़ने की बात कही है, चाहे वो करिकुलम स्ट्रक्चर में हो चाहे वो सोसाइटल स्ट्रक्चर में हो, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे देश के सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बच्चे आते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड स्ट्राटा जो हमारी सोसाइटी का है वहाँ के बच्चे अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं, तो उन बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है वो एक काफी अप्रिशिएबल स्टेप है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की बच्चों को बात करी गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस, तो हर बच्चे को स्कूल के अंदर लाना है इसी विजन के साथ यहाँ पर ड्रॉपआउट्स को भी स्कूल्स में लाने की बात करी गई है कि कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। कि जो 2009 का जो आरटी था, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये 2009 में आया था और ये काफी अच्छी डेवलपमेंट था। हमारी जो 1986 की पॉलिसी आई थी उसके बाद का सबसे मेजर डेवलपमेंट आरटी 2009 ही था, तो उसके अंतर्गत भी बहुत चेंजेस आए हमारे देश में, नो डाउट। बच्चों को काफी मतलब एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया गया, उनको बेनिफिट स्कीम्स भी प्रोवाइड करी गई, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करी गई ताकि बच्चे जो हैं स्कूल से जुड़े रहे, उनको सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर जो SDG 4 में जो हमारे देश ने अपना एक एजेंडा दिया है, ग्लोबल एजुकेशन एजेंडा, तो उसको फुलफिल करना है हमें 2030 तक, और उसके लिए उस ड्रीम पोस्ट गोल को फुलफिल करने के लिए इस पॉलिसी के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स जिनकी मैंने बात करी है वो सब मेंशन किए गए हैं, और अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो सर्टेनली बाय 2020 सिंगल चाइल्ड विल आउट। ये तो हमने स्कूल्स के बारे में या स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में जाना, अगर हम देखें कि क्या हमारे पास सफिशियंट रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल क्या हमारे टीचर्स जो है इतने क्वालिफाइड है कि वो इस सब चीजों को एक्चुअल में कर पाए, क्योंकि पॉलिसी बनाना किसी और का काम है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जो एक्चुअल लोग है वहां पर स्कूल्स में जो लोग हैं मेजरली टीचर्स हैं, क्या उन वो लोग इतने कैपेबल है हमारे मोस्टली परसेंटेज वाइज कि वो इस पॉलिसी को देखिए, उतार हाँ पाए? हाँ देखिए, टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर्स नॉलेजेबल हैं, नो डाउट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि कहीं कहीं पर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स में फ्लॉज रहे हैं और वहां पे मैं अभी इतना बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और टीचर्स मेहनती हैं, टीचर्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एक से बढ़कर एक टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी एक से बढ़कर एक टीचर्स हैं, बट वहीं पे बात आ जाती है कि क्या हो रहा, क्या किया गया है उनकी सर्विस कंडीशंस को लेकर के और क्या किया जा रहा है उनके कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर के, तो इन्हीं दो चीजों पर मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी। अगर मैं सर्विस कंडीशंस की बात करूँ तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर पीपल रेशियो काफी हाई रहता है, 50 से ऊपर बच्चे होते हैं, मतलब 50:1 या 60:70:1 का रेशियो है, अगर हम पूरे देश की रूरल एरियाज की भी बात करें तो बच्चों का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना कहीं ना कहीं टीचर्स की एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, उस पे भी जो टीचर्स को नॉन टीचिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं उसके भी काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो इस पॉलिसी में सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात करी गई है। यहाँ पे कहा गया है कि जो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज टीचर्स करते हैं वो उनको नहीं करनी होंगी, और केवल एक्सेप्ट सम यू नो सम मिड डे मील रिलेटेड टास्क, और उन्होंने ये भी बोली है कि जो भी स्ट्रीनस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होंगे वो टीचर्स को नहीं करने होंगे। अब यहाँ पर मेरा एक एप्रिहेंशन स्ट्रीनस वर्ड को लेकर के भी है कि हु विल डिफाइन द वर्ड स्ट्रीनस, मीन्स अगर कोई टास्क प्रिंसिपल के लिए स्ट्रीनस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं है फॉर टीचर, तो अगर प्रिंसिपल से ऑर्डर है कि आपको ये वाला काम करना है
भले चाहे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ नहीं है, मे बी वो कुछ बैंक रिलेटेड काम हो सकता है बच्चों का, मे बी वो कोई और काम हो सकता है, स्कॉलरशिप रिलेटेड काम हो सकता है, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग रिलेटेड काम हो सकता है, तो वहां पे वो टीचर कैसे उस ऑर्डर को डिनाई करेगा, क्योंकि स्ट्रीनस वर्ड डिफाइंड नहीं है. तो जी जो काम प्रिंसिपल के लिए स्ट्रीनस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं है और टीचर के लिए स्ट्रीनस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, तो कैसे टीचर अपने आप को उस काम से बचा पाएंगे. जी तो एनटीए को मतलब नॉन टीचिंग एक्टिविटीज नहीं करनी होगी. ये मुद्दा इसके अंदर उठाना और इस पे इस पर बात कहना एक बड़ा ही अप्रिशिएबल कदम है. इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा टीचर्स के लिए. दूसरी चीज जो यहाँ पर एक बात करी गई है कि टीचर्स के जो ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफर्स को लेकर के इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होंगे, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर का अपने बच्चों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी है कि वो एटलीस्ट जब तक उस वो प्राइमरी ईयर्स में है तब तक वो अपने शिक्षक से जुड़ा रहे और उसकी परफॉर्मेंस का आकलन असेसमेंट भी अच्छे से टीचर कर पाएंगे. तो ट्रांसफर केवल एक्सेप्शनल कंडीशंस में होंगे, एक ये बात करी गई है. दूसरा, यहाँ पर जो प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ टीचर्स के, तो अब तक क्या होता था इशिता कि अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे टीजीटी बनने में, फिर उसके बाद 10 से 15 साल लगेंगे पीजीटी बनने में, और फिर प्रिंसिपल अगर आपके पास रिटायरमेंट आपका नहीं आया तो आपके चांसेस हैं, नहीं तो यू नेवर नो. तो इस चीज को इसमें बड़ा अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया है. जैसे मैंने 4 यहाँ पे स्टेजेस की बात करी थी, फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज. अब इनको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल प्रमोशन होगा, हॉरिजॉन्टल इंसेंटिव्स मिलेंगे उनको. मतलब अगर कोई प्राइमरी का टीचर है वो बहुत अच्छा काम करता है ग्रेड 1 में, तो उसको आगे उसमें और इंसेंटिव्स और पर्क्स दिए जाएंगे कि वो अगर प्राइमरी में रहे तो वहां पे भी उसकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स, पर्क्स, प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीज, ये सब के प्रावधान किए गए हैं. उसको वेट नहीं करना 10 से 15 साल के लिए कि मैं हायर पोस्ट पे आऊंगा तभी मुझे कुछ अच्छा मिलेगा. उसको प्राइमरी टीचर रहते हुए भी बहुत कुछ इंसेंटिव्स, सैलरी में इंक्रीज और काफी सारी और चीजें देने का यहाँ पर प्रावधान है. तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्रमोशन. अब वर्टिकल प्रमोशन, मान लीजिए मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं प्राइमरी टीचर हूँ एंड आई एम क्वालिफाइड दैट एंड आई वांट टू एंड आई हैव कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज टू बी द स्कूल लीडर, मुझे प्रिंसिपल बनना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर वर्टिकल प्रमोशन का प्रावधान है, प्रोवाइडेड आपके पास एलिजिबिलिटी हो, क्वालिफिकेशन हो और आप इतने कॉम्पिटेंट इनफ हो. तो दोनों तरह से है, यहाँ पर दोनों टीचर्स की नीड को कैटर किया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी अपनी लीडरशिप को निखारने की, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने की, इफ अ टीचर वांट्स अ वर्टिकल प्रमोशन, और अपनी ही स्टेज में रहते हुए उसको पर्क्स, इंसेंटिव्स और ये सब मिले, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बात करी गई है, यहाँ पर प्रोग्रेशन जी की बात करी गई है. दिस इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मैनेजेरियल प्रोग्रेशन. जी तो यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी सीपीडी के बारे में, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. अब ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, हमने यहाँ पर स्कूल में बच्चों को ट्रांजेक्शन प्रोसेसेस की तो बहुत बात कर ली कि जॉयफुल एक्टिविटीज से पढ़ाना होगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देनी होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी होगी, डेवलपमेंटल नीड्स और इंटरेस्ट को जानते हुए पेडागोजिकल डिजाइंस बनाने होंगे. अब ये करेंगे कैसे, और इस कैसे का जवाब है सीपीडी में, यानी कि जब हमें टीचर्स को इतना कॉम्पिटेंट थ्रू ट्रेनिंग्स करना पड़ेगा, तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करी गई है. इट विल बी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी टीचर टू अंडरगो 50 आवर पर ईयर ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग्स वो अपने मनचाहे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के, अपनी चॉइस के उनके सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें वो अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन कर सकते हैं. जी वही है कि ये एजुकेशन पॉलिसी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के इंटरेस्ट को केटर तो कर रही है, जैसा सुनने में फैसिनेटिंग लग रहा है, और जो पॉलिसी के की पॉइंट्स है वो सब सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। अब क्वेश्चन हमेशा ये रहेगा 2040 तक कि ये जो पॉलिसी है इसको कितना परसेंटेज या कितना हद तक इम्प्लीमेंट किया गया है और किस क्वालिटी का इम्प्लीमेंटेशन है। एग्जैक्टली. अब इम्प्लीमेंटेशन पर ही सारी आकर के रुकता है सभी. अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इट विल बी अ ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी, इट विल सर्टेनली बी अ नेशन ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी, बिकॉज इट इज टॉकिंग इट. अगर हम इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो इट हैज ऑल द कंपोनेंट्स, जी इट हैज ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच कैन मेक अ चाइल्ड अ स्किलफुल, अ रिसोर्सफुल पर्सन, अ ह्यूमन इन ट्रू सेंस. जी यहाँ पर सभी चीजों को बात करी गई है. आपने देखा होगा कि एजुकेशन तो
हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े IITs IIMs हैं, हमारे यहाँ पर क्रीम बच्चा होता है, अल्टीमेटली वो MNC में जॉब लेकर के विदेशों में चला जाता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। क्यों होता है? कहीं ना कहीं तो रूट से जोड़ने में कमी रह गई है ना शिक्षकों की, जी कहीं ना कहीं से तो समाज की उसको रूट से जोड़े रखने में कमी हुई है। तो हाँ इन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं कि इफ वी आर प्रोड्यूसिंग बेस्ट ब्रेन्स इन आर कंट्री, व्हाई शुड नॉट दोज ब्रेन्स स्टे इन आर कंट्री एंड डू समथिंग फॉर आर कंट्री? जी व्हाई वी आर अलाउइंग देम टू गो आउट एंड यू नो डू गुड वर्क फॉर अदर नेशन? सो दिस पॉलिसी इज यू नो इट इज आई कैन से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, ये उस सोल की बात करती है हमारी ये पॉलिसी। जी क्योंकि अगर हम सबके देखा साथ जाए, रहना हाँ है सब, जी, हाँ सबका साथ सबका विकास। हाँ जी सबका साथ सबका विकास, और तो सबके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो, ह्यूमन वैल्यूज हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक रिसोर्सफुल बनने से पहले आपको एक ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है। जी आपने ये चीजें भी देखी होंगी कि एजुकेशन मतलब व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव गिवन टू दोज लाइक हु आर IITians एंड दे आर डॉक्टर्स, दे आर हाई क्लास डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स एंड दे आर बिजनेसमैन, एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ दे आर नॉट एबल टू फाइट यू नो स्मॉल रियल चैलेंजेस इन देयर प्रॉब्लम। लाइफ, है जी ना, एंड दे कमिट सुसाइड्स एंड ऑल। ऐसे रोज आपको केसेस सुनने को मिलते होंगे कि IAS ने कर लिया, IPS ने कर लिया, जी एजुकेशन तो उन्होंने बहुत अच्छी ली है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन से निकले हैं, बट फ्लॉ कहाँ रह गया कि दे वर नॉट एबल टू यू नो सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइफ, दे वर नॉट एबल टू बाउंस बैक। दिस जी एजुकेशन सर्टेनली फोकसेस ऑन दिस एबिलिटी। वी हैव टू डेवलप फाउंडेशनल एबिलिटीज इन स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक देम यू नो एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स, जी वी हैव टू मेक देम कॉम्पिटेंट इन स्किल्स। और फेलियर को ही एक टैबू नहीं बनाना चाहिए कि तुम फेल हो गए, तुम अब क्या करोगे जिंदगी में। ऐसा काफी लोग कहते हैं कि अब एग्जैक्टली तुम फेल हो गए। मतलब ये वाली चीजों के लिए इस पॉलिसी में कम्युनिटी का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट किया गया है। कम्युनिटी को स्कूल्स में और स्कूल्स को कम्युनिटी में ले जाने की बात की गई है। और कम्युनिटी कौन है? कम्युनिटी कौन है? यही तो समाज, समाज जी के लोग, जहाँ पर स्कूल है वहाँ के लोग, बच्चों के पेरेंट्स, दिस मेक्स द कम्युनिटी, दैट एरिया मेक्स द कम्युनिटी। तो जब वो कम्युनिटी स्कूल में आएगी, इन्वॉल्व होगी, स्कूल्स अपनी रीच को बढ़ाएंगे कम्युनिटी तक, तो ये फ्लो तो होगा, ये फ्लो होगा। और जो भी पॉलिसी हमारी कहती है वो उनकी समझ बनाने की प्रयास जरूर स्कूल्स करेंगे, और अगर वो इसमें सक्षम हो गए तो ये माइंड में शिफ्ट तो पक्का आएगा, ये पैराडाइम शिफ्ट सर्टेनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। हाँ, एक चीज जो मेरे को समझ आई है इस पॉलिसी से, अगर मैं थोड़ा इसको नटशेल में करूँ या थोड़ा शॉर्ट में बोलूँ, कि ये जो पॉलिसी है ये दो टाइप के गैप को फिल करने में काम करेगा। पहला गैप हुआ हमारा एम्प्लॉयबिलिटी गैप, यानी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो हमारे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं नॉलेज, वो स्कूल की या कॉलेज की जो नॉलेज है वो शायद कुछ 10-15 साल पुरानी है, और आज की जो हम नॉलेज पढ़ रहे हैं वो दोनों कहीं मेल नहीं खा पाती। तो शायद कहीं ना हाँ बिल्कुल सही, कहीं ये एजुकेशन पॉलिसी इस गैप को फिल करेगा, एम्प्लॉयबिलिटी गैप को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक क्या होता था कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पढ़नी है मैथ्स, क्योंकि बहुत जरूरी है मैथ्स को पढ़ना उसका। और आप देखिए कि मैंने आगे मैथ्स को परस्यू नहीं किया लेकिन मैं क्या यूज कर पा रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम मैं कहीं लगा पा रही हूँ, एंड आई वॉज फोर्स टू स्टडी मैथमेटिक्स। जी तो यही बातें हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो काम करने की आगे प्रणाली बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी लाइफ में वाकई में काम आ सकेंगी वो चीजें, वो आपको परस्यू करनी है। व्हाई वी शुड फोर्स अ चाइल्ड टू स्टडी द सब्जेक्ट विच आर यू नो विच आर नॉट ऑफ हिज और हर चॉइस? जी तो ये एक अच्छी चीज है। मैंने जैसे देखा है यू नो आप इस पॉलिसी को अगर मैं एक देखूं और एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऑलरेडी हो रही है। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दो मेजर करिकुलम्स जो लॉन्च हुए थे, हैप्पीनेस करिकुलम और EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, तो मैं उनका रिफ्लेक्शन देख पा रही थी यहाँ पर। हैप्पीनेस करिकुलम फोकसेस ऑन डेवलपिंग वैल्यूज इन चिल्ड्रन, कंपैशन इन चिल्ड्रन, ग्रेटिट्यूड इन चिल्ड्रन। तो हैप्पीनेस करिकुलम कि जो डिजाइनिंग है, जिस माध्यम से वो बच्चों तक दिया जा रहा है, स्पेशली एक पीरियड उसके लिए होता है डेली फर्स्ट पीरियड, तो अभी भी जैसे लॉकडाउन के पीरियड में भी हैप्पीनेस के काफी सेशंस हुए हैं और उनको आ, आ, बच्चों तक पहुंचाया गया है थ्रू वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स, और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटल एंगेजमेंट करी गई हैप्पीनेस के सेशन में, कि ताकि वो इस पेंडेमिक के टाइम में कैसे रेजिलिएंट रह सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है
और यहीं पे भी उसकी बात करी जा रही है, वैल्यूज की बात करी जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर काम हमारे यहाँ पर हो रहा है, दिल्ली में ऑलरेडी ये काम हो रहा है और बाकी स्टेट्स तक जाएगा, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की अगर बात करें तो हमारा EMC है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। उस करिकुलम के माध्यम से हम लोग बच्चों की क्रिएटिव और फाउंडेशनल एबिलिटीज पर काम करते हैं। उसमें हम बच्चों को रिस्क टेकिंग कैसे हो सकता है, रिस्क टेकिंग क्यों जरूरी है, उस पर हम बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज कराते हैं, बच्चों को नई नई चीजें ट्राई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको चैलेंजेस भी उनके सामने रखते हैं कि वो चैलेंजेस से कैसे निकल पाए, जी उनको बाउंस बैक करना सिखाते हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज दी जाती हैं छोटी छोटी जिसमें वो ग्रुप में काम करते हैं, और उस एक्टिविटी में अगर वो फेल होते हैं देन अगेन उनको बाउंस बैक करना होता है। तो जी इसका भी एक पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है हमारा, एंड दैट इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अमंग स्टूडेंट्स। इट इज नॉट एट ऑल इंटेंटेड टू मेक देम एंटरप्रेन्योर, बट दिस माइंडसेट इज वेरी मच नेसेसरी। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट विल मेक अ चाइल्ड टू मेक डिसीजन स्पेशली फॉर हिज और हर करियर। जी और जो ये जो भी नेगेटिव चीजें होती है सबके आसपास, उससे शायद कहीं ना कहीं फाइट करने की एक हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो हमारा वही बात है कि हम माइंडसेट में ये बदलाव आना बहुत जरूरी है, सभी स्टेक होल्डर्स के, बच्चों के भी, पेरेंट्स के भी और टीचर्स के भी, तभी जी चीजें आसान हो सकती हैं, तभी हम लोग एक लर्निंग फेज की तरफ मूव कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर सर्वाइवल मोड में ही रह जाएंगे, जी और फिर व्हाट टू थिंक में ही रह जाएंगे, हाउ तक कभी पहुंच व्हाट नहीं टू थिंक में पाएंगे। रह जाएंगे। अब जैसे पॉलिसी में भी स्पेशली फोकस किया गया है कि हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमें उनको ये नहीं कहना कि व्हाट टू लर्न, हमें उनको कहना है हाउ टू लर्न, जी हमें उनको ये सिखाना है कि हाउ टू लर्न, जी तो व्हाट टू लर्न शायद तो वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे। जी तो जो ये नजरिया है, जो ये है, वो बच्चों को हिम्मत देगी। और जितनी हमारे देश में मेंटल इलनेस की परसेंटेज आती है हर साल, कुछ ना कुछ आंकड़े बढ़कर ही आते हैं कि लोग अपने मन का काम नहीं कर पा रहे या अपने इंटरेस्ट की चीज नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो शायद कहीं ना कहीं देखिए उम्मीद की जा रही है कि उसकी परसेंटेज थोड़ी कम होगी। बिल्कुल, अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी इशिता कि हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है, जी लेकिन मैं इसको उल्टे प्रकार से समझती हूँ। अगर माइंड हेल्दी है तो बॉडी तो हेल्दी होगी ही, सब जी कुछ माइंड से कंट्रोल्ड है। इफ योर माइंड इज एट पीस, इफ योर माइंड इज एट पीस, देन आपका जो पूरा सिस्टम है, जो हार्मोनल सिस्टम है, जो हार्मोनल बैलेंस है, वो ठीक रहेगा, जी तो ऑर्गन्स आपकी इफेक्टिवली काम करेंगी, ऑर्गन्स आपकी सही काम करेंगी ही। जी तो हेल्थ, माइंड का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमारे पॉलिसी में भी फिजिकली और मेंटली फिट रखने की बच्चों को बात करी गई है थ्रू योगा, मेडिटेशन एंड ऑल, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। और अभी भी है ये करिकुलम में हमारे, लेकिन उतना इसको रिचुअली फॉलो नहीं किया जाता है, अभी इसको सेकेंडरी ही समझा जाता है, लेकिन अब उसको मेन स्ट्रीम में करने की कोशिश की जा रही है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ जी टू कीप वन सेल्फ हेल्दी एंड फिट। तो तो यहाँ पे इस पॉलिसी में जैसा मैं कह रही थी कि ये पॉलिसी दो गैप फिल करेगा। एक तो हमने डिस्कस कर लिया एम्प्लॉयबिलिटी गैप, कि स्किल्स को और इंडस्ट्री को कैसे जोड़ रही है ये पॉलिसी। दूसरा गैप जो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे देश में या हमारी दुनिया में, हमारे आसपास दो टाइप की दुनिया एग्जिस्ट करती है, और वो दो टाइप की दुनिया कभी मिल नहीं पाती। दो टाइप की दुनिया हो गई कि एक तो हो गई कि हमारा स्कूल साइड हो गया कि बहुत हाई फाई स्कूल है, सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन जब बाहर जाके देखो या कुछ हकीकत कुछ और है बाहर की दुनिया की, और जो हम स्कूल में देखते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा है और सब हमारे साथ है, लेकिन शायद बाहर की दुनिया में ये कुछ होता नहीं है। दो टाइप की दुनिया का जो ये गैप है वो ये फील करेगी। बिल्कुल सही बात, आपने ये बात कही है, दो टाइप की दुनिया का गैप क्यों है, क्योंकि बच्चा स्कूल में घुसा तो वो स्कूल का बच्चा हो गया, और जब स्कूल से बाहर घर में गया तो वो घर का बच्चा हो गया। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू, जी केवल होमवर्क के आदान प्रदान का रिलेशन रह जाता है ऐसा जी लगता है। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो वो केवल हमारे बैनर्स और रैलीज तक ही फिक्स होकर के रह जाती है, जी लेकिन इस पॉलिसी के माध्यम से कम्युनिटी को स्कूल्स में लाया जाएगा थ्रू मास्टर एक्सपर्ट। जी ओके,
कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट पूरी होगी स्कूल के डेवलपमेंट में। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे स्कूल्स, ऐसी संस्थाएं होंगी जो कि छोटे छोटे स्कूल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, जो जी कि रिसोर्स देंगी उस छोटे स्कूल को। छोटे स्कूल के और उस कॉम्प्लेक्स के स्कूल्स के टीचर्स में आपस में आदान प्रदान भी हो सकता है, और लोकल एरिया से जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी हायर किया जाएगा। सो दिस वे दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग कम्युनिटी इन द स्कूल एंड हेंस दे आर ट्राइंग टू टेक स्कूल्स टू द कम्युनिटी। तो ये जी जो गैप है वो नहीं बनेगा, और जब ये गैप खत्म होगा तो कनेक्शन बिल्ड होगा, और जब कनेक्शन बिल्ड होगा तो वो जो कनेक्शन कम्युनिटी से हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी रूट्स के साथ कनेक्शन हो रहा है, और जब उस रूट्स के कनेक्शन को लेकर के वो बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर ज्ञान वर्धन तो होगा, लेकिन वो जो जो उसके अंदर जो उसने इम्बाइब करी है वो कल्चरल एथॉस, वो वैल्यूज, वो जी कभी भी वो बच्चे के अंदर से जाएंगी नहीं। जी ऐसी इस पॉलिसी के माध्यम से कल्पना की जा रही है। बस ये कल्पना एक बारी हकीकत में बदल जाए तो ही उस दिन का मेरे को इंतजार है। और शायद 2040 तक ऐसा माना जा रहा है कि जो ये पॉलिसी है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा 100%। तो मैं ऐसी पूरी आपसे अभी से ही मैं टाइम लेना चाह रही हूँ 2040 का, कि हम देखेंगे कि जो हमने आज एनालिसिस करा वो कितना हद तक इम्प्लीमेंट हो पाया है। बिल्कुल डेफिनेटली इसी था। बल्कि मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर ये जैसे लाइट बट टाइट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो अगर ये, क्योंकि इतना लंबा हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजों के लिए प्रावधान इन्होंने दिए गए हैं, जैसे 2030 तक ये होगा, 25 तक ये होगा, तो हम उन कुछ कुछ चीजों को देखते हुए भी हम फिर से भी मिल सकते हैं, हम जल्दी मिलेंगे। हम ये भी देखेंगे कि 2 या 3 साल के अंदर क्या क्या चीजें प्रवाहित हो पाई हैं विद्यालयों में, और हम उन पर भी चर्चाएं कर सकते हैं। तो ये इतना लंबा शायद हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो मुझे एक बस एप्रिहेंशन है इस पॉलिसी से लेकर के, कि बाकी सारे चीजों पर तो काफी कुछ लिखा गया है। जी मैं अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत अच्छा, बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा गया है उसके अंदर, जी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई हैं। और अगर मैं टीचर एजुकेशन की बात करूँ तो उसमें भी काफी इलेबोरेशन किया गया है, और अगर मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो उसमें भी काफी अच्छा एलैबोरेशन किया गया है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो 2-3 पेजेस, मतलब उसमें ज्यादा इतना इलैबोरेट नहीं किया गया है। मे भी शायद इसीलिए छोड़ा गया है कि फर्दर प्लानिंग होगी, कि स्टेक होल्डर्स से इम्प्लीमेंटेशन पर स्ट्रक्चर्स को मंगाया जाए, जी और इन्होंने बोला है कि हम स्टेट्स को स्ट्रेंथन करेंगे और फेज वाइज मैनर में चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी क्योंकि भारत को हमेशा ऐसे ही देखा गया है आज तक कि एक टैलेंट और टेक्नोलॉजी का क्रिएटर है भारत देश। हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंग जनरेशन है, अगर स्पेसिफिकली मैं आईटी कंपनीज की बात करूं तो जितने भी भारत के बच्चे हैं वो बाहर की आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो भारत को हमेशा से टैलेंट और टेक्नोलॉजी का क्रिएटर कहा जाता है इसी वजह से। तो अगर ये टैलेंट और ये टेक्नोलॉजी भारत की कल्चर से जुड़े रहे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि भारत ही विश्व में सबसे ऊंचे नाम पर होगा। बिल्कुल 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 सही आपने ये बात कही है कि हमारी विजन जो इस पॉलिसी में मेंशन है, उस विजन के अनुसार भारत को वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की ही कोशिश है। एक ऐसा देश, और आपको पता ही हमारा युवा देश होने वाला है, तो ऐसा देश जहाँ का हर युवा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हो और कॉम्पिटेंट हो, स्किलफुल हो, और वर्ल्ड क्लास, वो ग्लोबली एक ग्लोबल सिटीजन बनाने की यहाँ पर एक कल्पना की गई जी है। जी तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब एनईपी के बारे में बता रहे थे वो हमें, तब भी उन्होंने ये चीज पे बहुत फोकस किया था कि जड़ से लेके जग तक और अतीत से लेके आधुनिकता तक हर प्रश्न का जवाब इस पॉलिसी में है। तो उम्मीद हमें भी यही लग रही है कि अभी तक या पॉलिसी के बारे में सुनकर या समझकर कि काफी अच्छी पॉलिसी हो सकती है अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो तो। बिल्कुल, पॉलिसी बहुत अच्छी है। पॉलिसी इससे पहले की भी अच्छी आई थी, उसमें भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करी गई थी, टीचर्स के लिए काफी प्रोविजन थे, लेकिन फ्लॉ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में रहा। तो जी ये पॉलिसी रिवाइज होकर के आई है और बहुत अच्छी और नई नई चीजों के साथ आई है। उम्मीद यही है कि ये बस अपने अच्छे, अपने साकार स्वरूप में ये आए जल्दी से, और हमें ये सारी चीजें होती हुई विद्यालयों में दिखे, जी यही आशा है मेरी। जी तो थैंक यू सो मच प्रीतु मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा और नॉलेज देने के लिए, क्योंकि सब कुछ हमने सुना तो सही था, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में पढ़ा था और टीवी सब में देखा था, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो शायद कोई अवेयर नहीं था। तो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ पीयर टू पीयर असेसमेंट, जो आपने एक नई चीज बताई कि हमारे फ्रेंड्स ही हमारी असेसमेंट कर सकते हैं, और काफी पॉइंट्स ऐसे थे जो हम लोगों को नहीं पता थे, और ना कभी टीवी में किसी ने इतना एनालिसिस करके वो शिक्षा नीति के बारे में बताया था जितना ओपनली आपने हमको इस शिक्षा नीति के बारे में बताया, इसके प्रोज इसके कॉन्स और सारी चीज। इसका जो एक क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है वो है इम्प्लीमेंटेशन पर। एग्जैक्टली तो इसीलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, टफ शेड्यूल में से हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, स्पेशली बच्चों के लिए और शिक्षकों और पेरेंट्स के लिए जिनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि पढ़ाई का क्या, खेल कूद लिया, सब कर लिया, हर चीज में एक्सेल कर लिया, लेकिन पढ़ाई का क्या। तो शायद वो सारे क्वेश्चंस और वो सारे जो नीड्स है वो सारे आपने केटर करे हमारे इस डिस्कशन में। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द टॉक स्कूप टीम। Thank you, Ishita. Thanks a lot. It was all my pleasure to participate in this, discussion. Thank you, Ishita. Thank you so much, Preetu ma'am. इसी के साथ मैं हमारे व्यूवर्स को एक चीज कहना चाहूंगी कि शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, और हमें यही उम्मीद है इस नई शिक्षा नीति से कि हमारे देश को तो जरूर ही बदलेगी और एक नए भारत का निर्माण करेगी, और ये भारत के बच्चे दुनिया बदलने की हिम्मत रखते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि आज का कार्यक्रम, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और आपकी तरफ से कोई नया पॉइंट हो जो हम आगे आगे पहुंचा पाए, कोई नया पॉइंट या कोई नया नजरिया हो नई शिक्षा नीति को लेके, तो वो कमेंट सेक्शन तक हमें जरूर पहुंचाए, या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। और इसी के साथ शुक्रिया करम मेहरबानी फ्रॉम इशिता ज्ञानचंदानी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आज के इस डिजिटल जमाने में दिस इज द ओनली वे टू शो अस योर लव एंड केयर। सी यू।